हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक जीनी। तो चलो आज के इस वीडियो में ना कोई स्मार्टफोन या टैबलेट्स के बारे में बात करने वाली हूँ, बट आज के इस वीडियो में आई हैव अ कलेक्शन ऑफ स्मार्टफोन्स विच आर बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर ₹10,000। वैसे देखा जाए तो काफ़ी टाइम पहले 10,000 के अंदर अच्छे स्मार्टफोन्स नहीं मिलते थे, बट ऑफकोर्स आज का टाइम कम्प्लीटली चेंज हो चुका है एंड काफ़ी कंपनीज ने अपने एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स में काफ़ी अच्छे अच्छे स्पेसिफिकेशंस दिए हैं एंड इसकी वजह से आपको 10,000 के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन मिल सकता है, बट ऑफकोर्स कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइजेशन करना ही पड़ेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मेरे हिसाब से अंडर 10,000 कौन से अच्छे स्मार्टफोन्स हैं। बट उसके पहले फ्रेंड्स, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। एंड जो फ्रेंड्स जिन्होंने ऑलरेडी मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड आशा है कि आप सब ये वीडियो एंड तक देखें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड विदाउट एनी स्पेसिफिक रैंकिंग ऑर्डर मैं सबसे पहले बात करूंगी रियलमी 1 के बारे में। तो रियलमी ओप्पो का सब ब्रांड है जिन्होंने हाल ही थोड़े महीने पहले एक अपना मस्त स्मार्टफोन लॉन्च किया है जो कि है रियलमी 1। एंड इसके फटाफट हम स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो रियलमी 1 में 6 इंच का स्क्रीन दिया गया है एंड इसके अलावा इस स्मार्टफोन में मीडिया टेक हीलियो P60 का चिपसेट यूज़ किया गया है एंड इसमें 3GB रैम एंड 32GB का इंटरनल स्टोरेज भी है। हालांकि ये स्मार्टफोन में और भी वेरियंट्स है 4GB एंड 6GB के, बट ये दोनों वेरियंट्स 10,000 के अबव प्राइस रेंज में आते हैं। एंड ये स्मार्टफोन में 3410mAh की बैटरी दी गई है। एंड अगर रियलमी 1 के कैमरा के बारे में बात करें तो इसमें 13MP का रियर कैमरा दिया गया है, 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ओप्पो का रियलमी 1 आपको मिल सकता है ₹8,999 में ही। तो चलो अब दूसरे स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे, तो वो है इन्फिनिक्स हॉट S3। ये स्मार्टफोन के फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस को देखें तो ये स्मार्टफोन में 5.65 इंच का स्क्रीन दिया गया है विद क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 का चिपसेट। एंड इसके अलावा ये स्मार्टफोन में 4000mAh की बैटरी दी गई है। तो अगर हम लोग इन्फिनिक्स हॉट S3 के कैमरा के बारे में बात करें तो ये स्मार्टफोन के रेयर पैनल में 13MP का कैमरा दिया गया है। इसके फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो इसमें 20MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है एंड ये स्मार्टफोन का प्राइस है केवल ₹8,999। तो अगर हम लोग थर्ड स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे तो थर्ड स्मार्टफोन है टेनोर जी। तो ये स्मार्टफोन में 5.5 इंच का स्क्रीन दिया गया है विद क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 626 का चिपसेट। एंड इसके अलावा ये स्मार्टफोन में 4000mAh की बैटरी दी गई है एंड इसमें 4GB रैम भी दिया गया है। एंड अगर हम लोग टेनोर जी के कैमरा के बारे में बात करें तो ये स्मार्टफोन के रेयर पैनल में डुअल रेयर कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें दोनों कैमरा सेंसर्स हैं 13MP के। एंड इसके फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो टेनोर जी का सेल्फी कैमरा भी 16MP का है। एंड इसके अलावा टेनोर जी का प्राइस है ₹9,999 ओनली। तो चलिए अब फोर्थ स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं, तो वो है लेनोवो का K8 Plus। यस, ये स्मार्टफोन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन ही है अंडर 10,000 rupees। तो इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो लेनोवो के 8 प्लस में 5.2 इंच का स्क्रीन दिया गया है विथ मीडिया टेक हीलियो P25 का चिपसेट। एंड ये स्मार्टफोन में भी 4000mAh की बैटरी दी गई है एंड इसमें 3GB रैम के साथ 32GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। एंड लेनोवो की 8 प्लस के कैमरा के बारे में बात करें तो ये स्मार्टफोन में भी डुअल रेयर कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें से उसका प्राइमरी कैमरा है 13MP का, सेकेंडरी कैमरा है 5MP का। एंड इसके फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो इसका फ्रंट कैमरा भी 8MP का है। एंड लेनोवो की 8 प्लस के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये स्मार्टफोन का प्राइस भी 9,999 ही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में। तो अपना फिफ्थ स्मार्टफोन है ऑनर कंपनी का जो कि है ऑनर 7C। तो चलिए हम लोग ये स्मार्टफोन्स के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो ऑनर सी में 5.99 इंच का स्क्रीन दिया गया है, यानी कि लगभग 6 इंच का स्क्रीन दिया गया है विद क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 का चिपसेट। एंड ये स्मार्टफोन में भी 3000mAh की बैटरी दी गई है एंड इसमें भी 3GB रैम के साथ 32GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। एंड अगर हम लोग ऑनर 7C के कैमरा के बारे में भी बात करें तो ये स्मार्टफोन में भी डुअल रेयर कैमरा सेटअप दिया गया है जहाँ पे उसका प्राइमरी कैमरा है 13MP का एंड सेकेंडरी कैमरा है केवल 2MP का। एंड ऑनर 7C का प्राइस भी है 9,999 ओनली। तो अगर हम लोग ऑनर सी के बारे में बात करते हैं तो ऑफकोर्स अंडर 10,000 ऑनर का और एक वेरियंट है जो कि है ऑनर 7A।
तो चलिए आज के इस वीडियो में अपने फाइनल स्मार्टफोन के बारे में बात करूंगी। तो मेरा फाइनल स्मार्टफोन है ऑफ कोर्स रेडमी का नोट 5। आप सब लोग वेट ही कर रहे होंगे कि मैंने अंडर 10,000 ये स्मार्टफोन का नाम क्यों नहीं लिया, बट डेफिनेटली अंडर 10,000 रेडमी नोट 5 अगेन एक बहुत ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन है। तो हम लोग रेडमी नोट 5 के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये स्मार्टफोन में भी 5.99 इंच का स्क्रीन दिया गया है, यानी कि लगभग 6 इंच का स्क्रीन दिया गया है। एंड इसमें भी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 का चिपसेट यूज़ किया गया है। एंड इसके अलावा Redmi Note 5 में 4000 mAh की बैटरी दी गई है। एंड ये स्मार्टफोन में भी 3GB रैम के साथ 32GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। एंड कैमरा के बारे में बात करें तो Redmi Note 5 का रियर कैमरा है 12 MP का एंड उसका सेल्फी कैमरा है केवल 5 MP का। एंड इसके अलावा Redmi Note 5 का प्राइस है 9999 ओनली। तो ये थे मेरे हिसाब से टॉप बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर ₹10,000। एंड इसके अलावा और भी स्मार्टफोन्स हैं अंडर 10,000 एंड वो भी अच्छे हैं, जो कि है Redmi 5 एंड Honor 7 है, तो मैंने पहले भी बोला, फिर है InFocus Vision 3, फिर Panasonic का भी स्मार्टफोन है, MyCanvas Infinity BX स्मार्टफोन है, Redmi Y 2 भी स्मार्टफोन है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग 10,000 के अंदर एक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन जरूर कंसिडर करना। ऑफकोर्स आपका बजट लो है तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो परफॉर्मेंस वाइज एंड कैमरा वाइज एंड बजट के हिसाब से ये स्मार्टफोन अच्छे ही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल टेक जीनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।